नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सत्य घटना पे आधारित है। कई साल पहले की बात है, जोधपुर के एक छोटे से गांव में प्राइमरी स्कूल में एक अध्यापक था जिसका नाम था अभिषेक। उसके साथ अन्य और भी शिक्षक थे। उनकी शादी हो चुकी थी लेकिन अभिषेक की शादी नहीं हुई थी। सब लोग परिवार के साथ गांव में कमरा लेकर रहते थे, मगर अभिषेक स्कूल के कैंपस में ही एक कमरा खाली था, वहीं रहता था। स्कूल के आसपास खेत और झाड़ियाँ थी। स्कूल गांव से थोड़ी दूर पे था। स्कूल के आसपास एकदम सुनसान रहा करता था। स्कूल में बिजली भी नहीं रहती थी। अभिषेक लालटेन जलाकर खाना बनाता था। तब उसके दोस्त बोले, तुम्हारा समय कैसे बीतता है, कल से हम लोग रात के समय तुम्हारे कमरे पे आ जाया करेंगे। दूसरे दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद खाना खाने के बाद अभिषेक के सारे मित्र अभिषेक के कमरे पे आ गए। तब सभी लोग बात करने लगे। थोड़ी रात बीतने के बाद एक मित्र ने कहा, यहाँ ना तो लाइट है ना ही टीवी, हम लोग यहाँ बैठ के करेंगे क्या। तब दूसरे मित्र ने ताश के पत्ते निकाले और लालटेन को धीमा करके खेलने लगे सब लोग। थोड़ी देर बाद गर्मी लगने पर उन लोगों ने खिड़कियाँ खोल दी। तभी तीसरे मित्र ने सिगरेट भी निकाला और सभी लोग पीने लगे। तब अभिषेक ने कहा, मुझे भी तो दे दो। सब हंसने लगे, कहे तुम्हें भी तो दिया गया था। लेकिन वह बार बार यही कहता, मुझे तो तुम लोग ने दिए ही नहीं। सब हंसने लगे, बात को हंसी में टाल दी। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। सब लोग खाना खाने के बाद रात को अभिषेक के कमरे पे आ गए और ताश खेलने लगे। फिर से सभी के लिए सिगरेट जलाई गई। तब अभिषेक को ऐसा लगा कि खिड़की से कोई लंबा हाथ अंदर आया और उसके हाथ से सिगरेट लेकर चला गया। तब अभिषेक के मानो होश उड़ गए, वह स्तंभ सा हो गया। लेकिन सिगरेट लेने वाले का चेहरा दिखाई नहीं दिया क्योंकि बाहर अंधेरा था और अंदर लालटेन जल रही थी। यह घटना अभिषेक के साथ कई दिनों तक होता रहा। तब अभिषेक ने स्कूल में यह बात अपने मित्रों से बताई। तब अन्य मित्र बताने लगे कि स्कूल के अंदर एक शिक्षक की मृत्यु हो गई थी। उसकी आत्मा स्कूल में तथा स्कूल के आसपास भटकते रहती है। अगले दिन सभी मित्र इकट्ठा होकर फिर से ताश खेलने लगे। तब खिड़की से एक आदमी आता है और उन लोगों के साथ बैठकर ताश खेलने लगता है और सिगरेट पीता है। सबको बड़ा डर लगा लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ पूछने की। लालटेन की रोशनी में कुछ कुछ उसका चेहरा दिख रहा था जो बड़ा डरावना था। चेचक के दाग वाला काला अधेड़ उम्र का व्यक्ति मटमैले रंग के धोती कुर्ते में था। खेल खत्म होने के बाद वह आदमी खिड़की के रास्ते चला जाता है। इन सब घटना के बाद सभी लोग और ज़्यादा डर जाते हैं। तब गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने यह सलाह दी कि पास में ही उसका कब्र है, उस पे समय समय पे ताश के पत्ते और सिगरेट रखना चाहिए। तब सभी दोस्त ऐसा करने लगे। उनके साथ गांव के अन्य लोग ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। तब से वह दोबारा किसी को दिखाई नहीं दिया। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है।